एडवाइस को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है गेकटा शाखा गोविंद चक जो सोनपुर थाना जो जाता है उसमें दिन दहाड़े 1 से 1:15 बजे लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। 7 अपराधकर्मी अंदर घुस के लूट की घटना को अंजाम दिए थे। उसी घटना के बाद उसका CCTV फुटेज कैमरा का जो मिला हम लोग को CCTV कैमरा उसके चेहरे की पहचान करवाई गई और चेहरे का पहचान करवाने के उपरांत अपराधकर्मियों को धरपकड़ किया गया जिसमें 1 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से इस कांड में लूटी गई जो राशि थी जो इसके इसको बदले में मिला था वो बरामद किया गया है। साथ ही साथ पूर्व के एक लूट कांड था अकिलपुर का इस लूट घटना को अंजाम दिया गया था उसका भी लूटा गया मोबाइल बरामद किया गया है। सभी अपराधकर्मियों की पहचान कर ली गई है उनकी गिरफ्तारी जल्द कर दी जाएगी और इनके पास से जिस समय गिरफ्तारी इसकी की गई है उस समय इनके पास से अवैध हथियार एवं गोली भी बरामद की गई है। अच्छा सर मूलतः ये लोग कहाँ के गैंग किस तरीके का है और मोटो ऑपरेटर्स किस तरीके से ये लोग काम करते थे? ये मूलतः 3 जिला के अंतर जिला कह सकते हैं इसको अंतर जिला गिरोह है जिसमें नकटा दियारा हमारे जो पहले जा ओपी में पड़ता है छितरचक उसके नकटा दियारा दीघा थाना में पड़ता है और एक लड़का इसमें भोजपुर का है। तो सभी लोग मिलकर ये क्राइम घटना को अंजाम दिए थे और अंजाम देने के बाद ये लोग दियारा पार कर गए थे पीपा पुल पार करने के बाद। इन लोग सबका मिलने का जो जगह है वो दीघा थाना में सभी लोग का अपना अपना घर बनाए हुए हैं वो दीघा थाना क्षेत्र में ही लोग रहते हैं वहीं पर प्लानिंग व्लानिंग बनाते हैं और ये सभी लोग दियारा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। कितने अपराधी? ये 7 लोग जो डायरेक्ट इन्वॉल्व थे 2 इसके बाहर बैंक के बाहर एक ही कर रहे थे। टोटल 9 अपराधी इस घटना में शामिल। बरामद ये पैसा बरामद हुआ है उसके साथ साथ जो अपराधकर्मी जो दिन घटना दिन के कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद किया गया है और पूर्व के घटना में एक लूटा हुआ मोबाइल है उसको भी बरामद किया गया है। पैसा कितना? 15,000 रुपया बरामद किया गया है। हाँ ये लोग सूचना हो सकता है कि होगा कि ज़्यादा रकम मेरे हाथ में ले आएगा। ये लोग पूर्व में भी घटना को अंजाम दे चुका है बैंक डकैती का इसमें जो सरगना है इसका वो पूर्व में बैंक डकैती को अंजाम दे चुका है।